जानेंगे जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी है। आपको बता दें एएसआई की 30 सदस्यीय टीम इस वक्त सर्वे कर रही है। वजूखाना छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है। 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जाएगी और ऐसे में मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जानकारी आपको दे दें कि इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम पक्ष है जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 21 जुलाई को कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था और एएसआई इस पूरे मामले में अब सर्वे कर रहा है। मामला क्या है वो भी आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए ज्ञानवापी वाराणसी का, जहां वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे आज से शुरू हो चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की 30 सदस्यीय टीम इस वक्त सर्वे कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था इसके आसपास कड़ी कर दी गई है। हिंदू पक्ष क्या दावे कर रहा है इस मामले में वो भी आपको इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संवाददाता आलोक राय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, ये सबसे बड़ा मामला जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया सर्वे का, और फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? सर्वे शुरू हो चुका है, आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। कोर्ट में मामला चल रहा था, जिला अदालत साथ साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाराणसी की जो जिला अदालत है वो इस मामले की सुनवाई कर रही थी। 14 जुलाई को इस मामले में 1.5 घंटे बहस हुई थी, जिसके बाद जो जिला जज जो है अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुरक्षित किया था। 21 जुलाई को उन्होंने फैसला दिया और फैसला हिंदू पक्ष के हक में दिया कि एएसआई से इस परिसर का यानी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे करेगी। सिर्फ जो सील एरिया है यानी जो जहां पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, जो वजू खाना है जिसको सील किया गया था, उस स्थान को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का एएसआई सर्वे किया जा रहा है ताकि जो है तथ्य पता लगाया जा सके, सच्चाई पता लगाई जा सके कि आखिर ये किस कालखंड का निर्माण है, क्योंकि इसी को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है, श्रृंगार गौरी के पूजन यहाँ पर होता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जो है ये किसी भी पुराने मंदिर या इस तरह की किसी जो है आकृति को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद नहीं बनाएगी। बहरहाल मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है इस सर्वे के खिलाफ, जिस पर आज संभवतः सुनवाई होगी, लेकिन एएसआई की टीम कल रात ही बनारस पहुंच गई थी वाराणसी, वहां पर कमिश्नर से मीटिंग की, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, उसमें तमाम विशेषज्ञ हैं, जो है आधुनिक तकनीक से सर्वे किया जाएगा और सर्वे शुरू हो चुका है और सर्वे में कोई अड़चन ना आए इसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि 4 अगस्त को अदालत को यानी वाराणसी की जिला अदालत को सर्वे की रिपोर्ट भी सौंपनी है, इसलिए जो है सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जी जी आलोक, जरा ये भी जानकारी दीजिए कि जो 30 सदस्यीय सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची है उनमें कौन कौन शामिल है और इस वक्त हालात किस तरह के, अगर आप मौके पर हो या आपने देखी हो तस्वीरें तो। देखिए बिल्कुल हालात फिलहाल सामान्य हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष विरोध में था इसलिए सुप्रीम कोर्ट गया था, सुनवाई आज होगी उनके विरोध पर, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन सर्वे अगर बात करें वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की, तो सर्वे जो एसआई की टीम है उसमें तमाम तरह के विशेषज्ञ शामिल हैं, क्योंकि तमाम आधुनिक तकनीकों से ये सर्वे कराया जाएगा, उसमें जो है रडार तकनीक का उपयोग किया जाएगा, उसमें जो है मैपिंग की जाएगी, साथ ही साथ पार्टिकल्स लिए जाएंगे, उन पार्टिकल्स इसलिए लिए जाएंगे ताकि जो है ठीक है आलोक, बहुत अपने नंदी के ऊपर कृपा करें, नंदी पर कृपा हो गई तो हम सब पे तो अपने आप ही हो जाएगी। मैं तो पूरी 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा ही कर रहा हूँ और जिसका हमारे शास्त्रों में बड़ा विधान है, और आज मुझे उसका मुझे लग रहा है फल मिल रहा है कि आज वो फिर से प्रारंभ हो गया। तो बस ये कथा का प्रभाव है और प्रार्थना और विश्वनाथ का प्रभाव है कि मेरी कथा सफल हो रही है, कि आज कहते पूजा करने से तो कंकण में भगवान प्रकट होता है, तो जहाँ भगवान थे कथा से आज वहीं भगवान प्रकट हो रहे हैं। अगली कथा हाँ, मथुरा जन्मभूमि यहाँ से मैं जा रहा हूँ और कृष्ण जन्मभूमि पर हम ये भागवत कथा का क्रम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जैसे यहाँ नंदी की प्रार्थना शुरू हुई है और वहाँ पर भी नंद बाबा की प्रार्थना पूरी होगी। धन्यवाद। तो देखिए सर्वे शुरू हो चुका है और उसके बाद हिंदू पक्ष में काफी खुशी की लहर है। एक बार फिर से आपको ये मामला जरा समझा देते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। 2021 का ये मामला है। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक परिवाद दायर किया था और इसमें उन्होंने ये कहा था कि ज्ञानवापी के बगल में
श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा और दर्शन करने की अनुमति उनकी ओर से मांगी गई थी कि उन्हें परमिशन दी जाए कि यहाँ पर जो श्रृंगार गौरी मंदिर बना हुआ है उसमें हम लोग हर रोज जाकर मंदिर कर सके। और इसी पर महिलाओं की जो याचिका जो लगाई गई थी, महिलाओं की ओर से याचिका लगाई गई थी, सर्वे करने का आदेश, ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश उन महिलाओं की याचिका पर दिया गया और कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे भी हुआ था। लेकिन अब इस मामले को आपको जरा समझा दें कि 21 जुलाई को इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी गई है। आलोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश दिया गया, सर्वे चल रहा है और जरा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि कितने दिनों तक सर्वे चलेगा, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर ली है। देखिए जया, मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंच चुका है, उसने जो है इसको सर्वे को रुकवाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी अपनी डाल दी है, जिस पर आज सुनवाई की जानी है। सुप्रीम कोर्ट आज मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है जो सर्वे रोकने के विरुद्ध पक्ष में है, वो चाहते हैं कि सर्वे को सर्वे की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए, तो उस पर आज सुनवाई संभवतः सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन बात अगर एएसआई के सर्वे की करें जो जिला अदालत के आदेश पर हो रही, तो सर्वे शुरू हो चुका है, टीम पहुंच चुकी थी कल रात ही, क्योंकि जो है 4 अगस्त की डेडलाइन है, यानी 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट जो है जिला अदालत में जिला जज को सौंपनी है एएसआई टीम को, इसलिए जो है उनके पास समय कम है, काम बड़ा है, इसलिए जो है आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू कर दिया गया है। तमाम उसमें तमाम तरह के विशेषज्ञ हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, क्योंकि कई तरह की तकनीक का, कई तरह की जो है मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जो आधुनिक मशीनें हैं, जिस तरह से उसको उसकी मैपिंग करनी है, वहां पर रडार तकनीक यूज की जाएगी, साथ ही साथ पार्टिकल्स कलेक्ट किए जाएंगे, इसके बाद उनको लैब में टेस्ट किया जाएगा कि ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो निर्माण है ज्ञानवापी परिसर का, ये किस कालखंड का है। तो उससे जब कालखंड पता लग जाएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या यूं कहा जाए कि जो विवाद है हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस परिसर को लेकर के, वो साफ हो जाएगा। क्योंकि राम मंदिर का जो मामला हमने देखा, उसमें भी सर्वे हुआ था, हालांकि वो बड़ा क्षेत्रफल था तो उसमें तकरीबन 3 साल का समय लगा था, लेकिन उस सर्वे के बाद एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जिससे हिंदू मुस्लिम विवाद यानी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद खत्म हुआ था। और यानी कि ये माना जाए आलोक के, एक तरफ इस वक्त सर्वे चल रहा है और दूसरी तरफ जब मुस्लिम पक्ष पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर भी सभी की निगाह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या निर्णय आता है। देखिए निश्चित रूप से सबकी निगाहें उस तरफ भी लगी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां जिला जज जो है के फैसले से, आदेश से सर्वे शुरू हो चुका है, वहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, उसने अपनी जो है अर्जी वहां डाल दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट, माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट जब शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो उस पर सुनवाई हो सकती है। अब इसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, सर्वे रोकने को कहता है या फिर सर्वे की कार्रवाई को चलने के लिए कहता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी निर्भर करेगा। जी शुक्रिया आपका आलोक फिलहाल जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। बड़ी खबर है जिस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है, निगाहें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर भी, जहां मुस्लिम पक्ष पहुंच गया है, याचिका दायर कर दी गई है और इस मामले में देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ आदेश दिए जाते हैं और दूसरी तरफ ये जो सर्वे हो रहा है इससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको